रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल. एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. जैसे कि अगर HCl है और HCl रिएक्ट कर रहा है, HCl इज रिएक्टिंग विद जिंक, तो जिंक से रिएक्शन में क्या होगा? सो व्हेन इट रिएक्ट्स विद, सो ZnCl2 निकलेगा और H2 गैस निकलेगी. सो रिएक्शन ऑफ एसिड विद जिंक. इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि किसी टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लें. पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि जिंक बहुत शाइनी सब्सटेंस है, अगर उसमें HCl डाल दें तो बबल्स निकलने लगते हैं, और वो बबल्स जो भी निकल रहे हैं उनको आप किस में पास करो? इसमें कॉर्क लगी है और फिर इसमें से जो भी गैस निकलेंगी उसको आप वाटर डिस्प्लेसमेंट करो, यानी सोप सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कराओ. तो आफ्टर दैट ये, तो एक बगल में सोप सॉल्यूशन रख दें, तो जैसे जैसे इसमें गैस आएगी तो इसके जो बबल्स निकलेंगे वो बाहर निकलने लगेंगे, और बाहर निकलने पर उसमें से जो भी गैस निकल रही है, अगर एक बर्निंग मैच स्टिक ले आए इसके पास, तो ये क्या होगा? पॉप साउंड के साथ जलेगा. सो ये सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन, और इसमें क्या है? जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं और क्या है? HCl डाल दिया है. तो इससे क्या पता चलता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल देन दे फॉर्म सॉल्ट. तो इसमें कौन सा सॉल्ट बन जाएगा? ZnCl2 एंड दे रिलीज हाइड्रोजन गैस. सो इस तरीके से एसिड रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी. नाउ जस्ट रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल. सो लेट अस सी हाउ एसिड रिएक्ट्स विद मेटल. Have you seen that sometimes when we accidentally spill some lemon juice on a surface, it leaves a stain? That happens because the lemon juice is acidic nature. So, reacts to the surface. Now let us see what kind of reaction occurs if acids dilute sulfuric acid instead. Again, agar ye metal liya plastic burns with a pop sound when brought near the open end of beakers. Let's try it again. Take the beaker containing dilute sulfuric acid instead. Again, test the gas formed using a lit matchstick. Listen carefully for the sound. The pop sound is a clear indication that the gas involved is hydrogen. So when a metal reacts with an acid, hydrogen gas is released. In the first case, zinc combines with hydrochloric acid to form zinc chloride such kind of reaction. Gas. Zn plus 2HCl will give ZnCl2 plus H2. In the second case, जिसमें कि इस तरीके की रिएक्शन होगी. Now these are zinc granules. इसको देखिए, जिंक ग्रेन्यूल्स अगर आप ले लें, ये सल्फ्यूरिक एसिड है. कंसंट्रेटेड का मतलब है इसमें वाटर नहीं है. सो विदाउट वाटर है, और इसमें जिंक मिला है. जिंक देखो कैसा है, ये जिंक है. जिंक को फिर से एक बार देखो,
जिंक ग्रेन्यूल्स। सो लेट अस सी कि ये शाइनी मेटल है, ये जिंक ग्रेन्यूल्स। अब इसको ले लें और सल्फ्यूरिक एसिड में डालें और देखें कि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, एसिड में डाल दिया तो क्या बबल्स निकल रही हैं? इट इज गिविंग, बुलबुले निकल रहे हैं, दिख रहे हैं? सो इससे क्या पता चल रहा है कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। तो अब हम देखेंगे कि इस रिएक्शन में क्या दिखाया गया है। इस रिएक्शन में दिखाया गया है कि व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल देन व्हाट हैपेंस। सो ये देखिए, अगर सल्फ्यूरिक एसिड की मैं रिएक्शन देखूं तो कैसे होगी? नाउ H2SO4 और प्लस Zn, तो अस्मित क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2 बन जाएगा। ओके नाउ टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, ZnSO4 और प्लस H2, तो ये एक सॉल्ट है। सॉल्ट कैसे है? क्योंकि मेटल है, तो मेटल किसी हाइड्रोक्साइड से आया होगा, ZnOH होल ट्वाइस से और ये H2SO4 से, तो जिसमें कैटायन और एनायन हो और एच और OH ना हो उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। अगर एच और OH आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? तब उसे एसिड या बेस कहेंगे। एच हो जाए तो एसिड कहेंगे, OH आ जाए तो बेस कहेंगे, और एच OH ना हो, मेटल और नॉन मेटल हो, तब उसे क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड सॉल्ट। तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे बताओ? यह है एसिड, अभी पता चल जाएगी। एसिड को किसके साथ रिएक्शन कराई? मेटल के साथ, तो क्या बना? सॉल्ट बना, और कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। सो एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेट अस सी कि जो हाइड्रोजन गैस, हाँ वो पता चल जाएगी। जस्ट दे, मैं समझ गया, आपने बोल दिया ना, जो दिखा रहे हो देखिए, समझ में आ जाएगा। देखो, makes H2 hydrogen gas. Now what I care about in this video is how I can prove that. इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जब जिंक की रिएक्शन होती HCl के साथ तो क्या होगा? When zinc reacts with HCl, then it forms H2 gas. So Zn plus HCl gives H2 का साउंड सुनिए कि how it gives pop sound. That is hydrogen gas. I don't really care about the reaction that's happening there. So what I can do to prove that's hydrogen gas is I can put a lit splint into it. So listen for what sound you hear. So to summarize, the test for hydrogen gas is that you put... That we have seen कि कभी भी अगर हम एसिड के किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिड के मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसमें क्या होगा? H2 बन जाएगा और एक सॉल्ट बन जाएगा। जैसे मान लीजिए HCl है और इसमें मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराई जाए तो क्या बनेगा प्रवीण? बोलो इस क्या क्या फार्मूला होगा? H2O क्यों बना रहे हो जब आपको हाइड्रोजन गैस बनानी है? H2 अगर HCl की कैल्शियम के साथ रिएक्ट हुई तो रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा? हाँ बोलो, H2 बन जाएगा। अगर H2SO4 है और उसकी रिएक्शन Al के साथ हुई तो क्या बनेगा? Al2SO4 का और क्या बनेगा? यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दें, और यहाँ 3 है तो यहाँ क्या लगा दें? 3 लगा दें, तो क्या 3H2 बन जाएगा?
अच्छा आयुष बताओ, अगर HNO3 की रिएक्शन सोडियम के साथ हुई तो क्या बनेगा? आयुष, कुणाल, मैं मैंने ये अच्छा बता रहे हैं। अच्छा श्रेयान, श्रेयान कुणाल ठीक है इतना, श्रेयान अस्मित बताओ। NaNO3 ठीक है, यानी आपको Na की वैलेंसी पता है कि Na पे एक प्लस होता है, कुणाल तो दो प्लस समझ बैठे थे, तो NaNO3 और प्लस H2, तो इसे बैलेंस करो अस्मित। कहाँ कहाँ पे? यहाँ लगेगा, और भी कहीं लगेगा? यहाँ लगेगा। चलो तो ये HNO3, तो HNO3 की Mg के साथ रिएक्शन, यश बताओ क्या होगा? MgNO3 होल ट्वाइस, और प्लस क्या बनेगा? चलो इसको बैलेंस करो। हाँ, और अच्छा ठीक है, नाउ आपने बताया कि यहाँ पे टू लग जाए तो काम बन जाए। सो इस तरीके से कई तरीके के, जैसे मैंने HBr ले लिया, और HBr के साथ भी हम किसी मेटल की रिएक्शन करा सकते हैं, दैट इज जिंक की। अगर जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो स्ट्रीजन क्या बनेगा? हाँ, और ZnBr2 प्लस H2 बन जाएगा, तो Br2 है तो यहाँ 2 लगा दिया। सो इन दिस वे ईशान, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल देन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड? ठीक है, सो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल देन, गुड इवनिंग, साल्ट इज फॉर्म्ड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस, इफ रिलीज्ड गैस इज पास्ड थ्रू सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन देन जो सोप बबल्स फ्लाई इन एयर, तो सोप बबल्स क्या होगा? फ्लोट इन एयर, एंड इफ अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, इफ ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। इससे क्या पता चला प्रवीण? इससे क्या कंफर्म हुआ बोलो? हाँ, दिस कंफर्म्स दैट H2 गैस इज रिलीज्ड, दैट H2 गैस इज रिलीज्ड। कौन सी रिएक्शन नहीं बैलेंस हुई है? हाँ, इसे बैलेंस कर दो, ये 2 है, इसे बैलेंस कर दिया। अब देखो, तो
तो ये तो बात हो गई कि एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं, क्या बेस भी मेटल से रिएक्ट करते हैं? सो बेसेस आल्सो रिएक्ट विद मेटल। सो बेसेस अगर मेटल से रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, टू फॉर्म, ये भी वही काम करेंगे, सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। जैसे कि अगर NaOH एक बेस है, सो NaOH का फुल फॉर्म क्या है प्रवीण, इसका नाम क्या है प्रवीण? आई थिंक प्रवीण इज नॉट देयर। सो NaOH प्लस जिंक, तो इसकी हमने जिंक से रिएक्शन कराई, तो अब क्या हो जाएगा, सोडियम, तो सोडियम जिंकेट बनेगा ZnO2। जरा देखें इस रिएक्शन को कि Na2 क्या बन गया, एक Na पे प्लस और दूसरे Na पे भी प्लस और जिंक पे दो प्लस और O2 है, तो एक O पे क्या होगा 2 माइनस, तो क्या ये न्यूट्रल हो गया? देयर आर 4 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 नेगेटिव चार्ज। यस सर। तो इनने चारों ने मिलके 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसने 4 ले लिए, तो ये बन गया सोडियम जिंकेट और प्लस निकला H2 गैस। तो देखो अगर हम देखें तो 2O यहाँ है, 2O यहाँ है, 2Na यहाँ है, 2Na यहाँ है, एक जिंक है, तो Na2 ZnO2 और दो और ये H2 निकला, तो सोडियम जिंकेट बना, ये एक सॉल्ट है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि NaOH और प्लस एल्यूमिनियम मिले, तो सृजन क्या बनेगा? बहुत इंटेलिजेंट आंसर है, इतनी जल्दी लोग बता नहीं पाते हैं जितना आपने जल्दी बता दिया। तो अब जरा देखो दैट इज अब यहाँ O2 आ गया, तो अब जरा देखें O2 होने की वजह से इसको अभी हम बैलेंस कर देते हैं, तो Na एक प्लस है और Al पे कितना प्लस है 3 प्लस और O पे कितना है 2 माइनस। सो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई कि नाउ रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद एल्यूमिनियम। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया सोडियम एल्यूमिनेट इज आल्सो फॉर्मड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन एलिमेंटल एल्यूमिनियम व्हिच इज एन एम्फोटेरिक मेटल। देखो इसमें क्या होगा कि वाटर भी लगेगा, इट इज नॉट सिंपली, सिंपली ऐसे रिएक्शन नहीं होगी और एक वाटर का भी मॉलिक्यूल लगेगा। अब जरा देखो कि NaAlO2 और कितने H बच गए, क्या 3H बच गए? तो 3H को क्या लिखेंगे, क्या 3/2H2, और फिर पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2NaOH प्लस 2Al और प्लस H2O, सो 2NaAlO2 और प्लस 3H2, इसका क्या नाम होगा सृजन? जैसे ऊपर सोडियम जिंकेट बोला था वैसे इसका नाम बोलो सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट भी है, वैसे इसे मेटा एल्यूमिनेट भी कहते हैं, और अगर एल्यूमिनेट भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी साथ में कंबाइंड रहते हैं जिसकी वजह से इसे मेटा कहा जाता है, वो चीज़ें दिखाई नहीं गई है। तो हमने ये देख लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्ट करे तो अस्मित क्या बने? हाँ ईशान आप बताइए।
हाँ बोलो। H2 सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर एल्यूमिनियम से रिएक्ट करे तो अस्मित क्या बने? NaAlO2 बन जाएगा और हाइड्रोजन। दीज ऑल रिएक्शंस रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या इसमें हीट निकलती है? रिएक्शन ऑफ या तो एसिड हो या बेस हो विद किसके साथ? मेटल इज एक्सो थर्मिक रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई कि इसमें हीट निकलती है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देख ली बताओ, कि एसिड ने रिएक्ट कर लिया मेटल से। एसिड क्या और भी किसी चीज से रिएक्ट करता है? सो ये देखें। हाँ तो यस रिएक्शन ऑफ एसिड एसिड की देख रहे हैं, तो एसिड एसिड की हम देख रहे हैं। एसिड विद बेस अगर बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या करे? मान लीजिए मेरे पास एक HCl है और NaOH है, तो क्या कुणाल आप बता सकेंगे कि इसमें क्या बनेगा? नहीं, आपके लेवल का नहीं है अभी। आपके लेवल का होता है, हम पूछते हैं आपसे। NaCl और बोलो H2O। कुणाल अभी और कुछ आपको बताना है। H2SO4 प्लस MgSO4, बोलो क्या बनेगा? H2SO4 और MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक बेस लिया है एक एसिड, बोलो। हाँ अच्छा बता रहे हो। नाउ ईशान, ईशान बताओ। MgSO4 और क्या बनेगा? और कितने H2O बनेंगे? टू एच टू ओ। तो अब हमारे पास H2SO4 है और AlOH का होल थ्राइस है। कुणाल इस बार बताओ। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा यश आप बताइए। हाँ और अब यहाँ टू लगाया तो यहाँ टू लगा दूँ, और SO4 के तीन आपने बोले तो तीन लगा दिया, तो ये सब मिल जाएगा। और कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे? Al2SO4 का होल थ्राइस हो गया। O कितने आ गए बताओ? जी आ गए। और H2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, O के सिक्स आ गए। हाँ और यहाँ पर भी छः छः हैं, तो इसलिए 6H2O। इतनी बात हो गई। नाउ HCl के साथ CaOH होल ट्वाइस, हिमांशु बताइए एसिड बेस की रिएक्शन कौन सा साल्ट बनेगा, और क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी? जब वाटर बन जाता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करके साल्ट बना रहे हैं, देख लो सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हिमांशु बोलो। हिमांशु तो है ना, बोले। अमित आप बोलो। हाँ और CaCl2 किया है तो कितने H2O? टू एच टू ओ। अनिशा आर यू देयर? अच्छा तो मुझे बताओ ये फास्फोरिक एसिड है,
और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इनकी रिएक्शन बताओ क्या क्या बनेगा। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताओ। सर मैं यार अनीशा आर यू? हाँ अनीशा है तो बोलो। हाँ Mg3PO4। अच्छा बता रही, बहुत अच्छा बताया है आपने। और तो Mg पे 3 लगाया तो यहाँ 3 लिख दूँ, और PO4 पे ट्वाइस लगाया तो 2 लिख दूँ। और बोलो आगे का काम कितना लिखूँ। अच्छी बात बताई है। तो अगर एसिड when reacts with base then they neutralize each other, वो क्या करते हैं, neutralize each other to form क्या बना देते हैं, salt and water। तो ये salt and water बना देते हैं, and such reactions are known as such reactions are known as neutralization। इसको उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं रिएक्शन। अब देखो कि अभी तक हमने ये देख लिया है कि तीन चीजें देखी हैं कि एसिड प्लस मेटल तो क्या बना, एक ये देख लिया, एसिड प्लस बेस तो क्या बना, और बेस प्लस मेटल तो क्या बना। कुणाल इन तीनों को कंप्लीट कराओ। हाइड्रोजन गैस पहले में, और भी तो कुछ बना, बोलो। प्रांजल कराओ, प्रांजल हैं सॉल्ट, दूसरे में एक मिनट अभी प्रांजल से भी नहीं पूछा है। हाँ बोलो कुणाल, दिक्कत है क्या? वाटर, हाँ वाटर बना, और क्या बना, एक चीज तो और बनेगी ना, चेक करो सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। ये क्या बन रहा है, सब सॉल्ट नहीं बन रहा है क्या? NaCl MgSO4, एक मेटल आयन, मेटल कैटायन और नॉन मेटल एनायन, इससे मिलके क्या बनता है, तो सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट बोलिए फिर, सॉल्ट प्लस H2O, और तीसरे में क्या बनेगा बोलो कुणाल। सॉल्ट प्लस H2, क्योंकि सोडियम जिंकेट और सोडियम मेटाइल्यूमिनेट बनाया था, तो याद रखना। अब देखो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाई कार्बोनेट। सीजन कोई ऐसे चार साल्ट बताओ जो क्लोराइड साल्ट हैं, बताइए। सर NaCl, MgCl2, एंड सर FeCl3, एंड सर मेटल और कौन से AlCl। ओके ईशान, 4 ऐसे साल्ट बताओ जो कार्बोनेट साल्ट है। यस सर, सर कैल्शियम कार्बोनेट, सर कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ फार्मूले के साथ बता दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर CaCO3 हो ट्वाइस, हाँ रुक जाइए, यस ऐसे चार साल्ट बताओ जो कार्बोनेट साल्ट है। सर CaCO3,
रुक जाइए नाउ श्रेयान, चार ऐसे साल्ट बताओ जो कार्बोनेट साल्ट हैं। अभी अस्मित पूछेंगे आपसे। हाँ श्रेयान, अस्मित आप बताओ। हाँ सर, Na2CO3। हाँ सर, सर मैं आई एक मिनट। सोडियम सर, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बाइकार्बोनेट, वो तो बाइकार्बोनेट साल्ट है, हम सिर्फ कार्बोनेट साल्ट पूछ रहे हैं। सर NaHCO3, Na2CO3 आपने बता दिया, और कार्बोनेट बताओ। एक MgCO3 बताया और Na2CO3। अनीशा, अनीशा चार ऐसे साल्ट बताओ जो कार्बोनेट साल्ट हैं। एक और, एक मिनट। हाँ बोलो बेटा, आप बोलो बोलो सीजन बोलो। हाँ CaCO3। ईशान चार नाइट्रेट सॉल्ट बताओ। ओके नाउ यश, फोर नाइट्रेट सॉल्ट। हाँ हाँ ओके अच्छा बताया है। नाउ अनीशा चार ऐसे सॉल्ट बताओ जो सल्फेट सॉल्ट है। ये सारी चीज हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्बोनेट के साथ इसके रिएक्शन एसिड की। अगर एसिड में मैं Na2CO3 मिलाऊं तो क्या होगा, ये टू ले लो तो क्या 2NaCl बन जाएगा। टू तो ले ही लिया है। अच्छा और क्या बनेगा, एक CO2 बन जाएगा और एक O छूट जाएगा। एक वो जो यहां बचा और 2H यहां बचे, उनसे क्या बचे बनेगा, वाटर बन जाएगा। तो CO2 कम्स आउट विद ब्रिस्क इफर्वसेंस, तेज बुलबुले के साथ आता है। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद किसके साथ, मेटल कार्बोनेट, देन ठीक है CO2 अलोंग विद, क्योंकि इसमें भी थोड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वाटर के वेपर भी निकलेंगे, विद वाटर विद ब्रिस्क इफर्वसेंस। ब्रिस्क इफर्वसेंस का मतलब क्या है, लोग कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग करो, तेज चलो, और इफर्वसेंस का क्या मतलब होता है, क्या बुलबुले। तो ब्रूल ये आएगा। और अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली गैस को लाइम वाटर में पास कर दूं तो क्या कुछ हो जाएगा, हाँ मतलब Na2CO3 में अगर मैंने HCl डाल दिया और इससे जो भी गैस निकल रही है, इफ़ इट इज़ पास्ड थ्रू लाइम वाटर सॉल्यूशन, तो लाइम वाटर किस तरीके से चेंज हो जाएगा। सो यस इट विल कन्वर्ट इंटू, एंड इट कन्फर्म्स कि इससे यह पता चलता है कि इससे निकलने वाली गैस CO2 है। इफ द लिबरेटेड गैस इज पास्ड थ्रू
लाइम वाटर, देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, टर्न्स मिल्की, कंफर्मिंग दैट दैट CO2 इज लिबरेटेड। अच्छा अब जरा देखो, मान लीजिए HCl के साथ मैं ZnCO3 मिक्स कर रहा हूँ, तो प्रवीण चूंकि आप जुड़ चुके हैं तो मुझे बताइए क्या क्या बनेगा। प्रवीण आयुष सीओ, अच्छा माइंड लगाया है, इतना तो काफी है। ओके नाउ अनीशा, बोलो, आपकी आवाज की दिक्कत है। हाँ जेडन, अस्मित बताओ, जेडन सेल अच्छा बताया है। ईशान, ईशान हाँ बोलो, जेडन और प्लस, सही है CO2। और अगर सीजन, अब आप बताओ, अगर मैं MgCO3 के साथ इसकी रिएक्शन करा दूं तो क्या बने? सर MgSO4 हाँ प्लस H2O प्लस CO2। अच्छी बात कही है। और अगर मैं H3PO4 की Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या बने? सब कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट। सर बता रहा हूँ सर, 2 सेकंड। सर Na3PO4 और प्लस प्लस चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 3 है तो 2 लगा दो और यहाँ पर 2 है तो 3 लगा दो, तो इस तरीके से बाकी यहाँ PO4 के 2 चाहिए तो 2 लगा दिए। अब हमारे पास CO2 कितने बनेंगे बताओ? CO2 बन गए, क्या 3O एक्सेस बचे? तो क्या हो जाएगा? 3H2O। तो ये मुझे बता दें कि अगर एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या देगा? एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट देगा सर सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस CO2। अच्छा यदि आपने इतना बता दिया है तो एक काम मेरा और कर दें, 4 मेटल बाई कार्बोनेट्स के नाम बता दें। देखो आपने 4 बता दिए, एक NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जिसमें सोडियम का चार्ज क्या है, क्या 1 प्लस, और HCO3 का कितना चार्ज होता है, क्या 1 माइनस? अच्छा और आपने बताया Mg और HCO3 का होल ट्वाइस, ऐसा क्यों बताया? क्योंकि इस पर 2 प्लस है और इस पर 1 माइनस, तो बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए बताया, क्योंकि इसका चार्ज इस पे जाएगा और इसका चार्ज इस पे। तो ये क्या हुआ, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। सभी तरीके के चार चार साल्ट के नाम तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। अब ये देखो,
इसके अलावा कैल्शियम का भी साल्ट बताया है, कैल्शियम का साल्ट इसमें फिर से रिपीट करो, क्या बताया सीजन ने? कैल्शियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला बताओ। एक एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ सीजन बताइए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये अस्मित अभी भी, एक मिनट अभी ठीक हो जाएगी, अब सही हो जाएगी। कुछ क्लियर हुई? फिर से ज्वाइन करें। आप चेक करो, ठीक है, नहीं तो फोन बदलेंगे फिर। कुछ क्लियर है क्या? ब्लर है। ओ ओके, जस्ट जस्ट होल्ड।